अमित शाह की रैली में स्टेज की तरफ जूता फेंका, भाषण खत्म कर लौट रहे थे गृह मंत्री, दिव्यांग हिरासत में, बोले सरकार ने मिली पेंशन काटी। हरियाणा के करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में एक व्यक्ति ने मंच की तरफ जूता उछाल दिया। यह वाक्य उस वक्त हुआ जब शाह अपना भाषण खत्म कर मंच से जा रहे थे। जूता फेंकने वाला शख्स दिव्यांग है और वह सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बीच बैठा था। उसका नाम रविंद्र सिंह और वह कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। हालांकि स्टेज से दूरी ज्यादा होने के कारण उसका जूता मंच और स्टेज के बीच बनी डी में गिर गया। इस घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने तुरंत रविंद्र सिंह को हिरासत में ले लिया। इस दौरान रविंद्र ने बताया कि हरियाणा सरकार ने उसकी विकलांगता पेंशन बंद कर दी है और इसी वजह से उसने यह कदम उठाया। फिलहाल उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इससे पहले शाह ने महासम्मेलन की शुरुआत करते हुए कहा कि 1 जनवरी से प्रदेश के बुजुर्गों को 3,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थाटन योजना में 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। साथ ही अंत्योदय परिवारों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा का लाभ भी दिया जाएगा। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित इस अंत्योदय महासम्मेलन में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हम आज से 9 साल पहले की सरकारों को देखें तो उस समय निराशा और अवसाद का माहौल था। भाई भतीजावाद के नाते गिने चुने लोगों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था। बिचौलिए काम करते थे। हमने सिस्टम में बदलाव किए लेकिन वो कांग्रेस आज भी इन बातों से बाज नहीं आ रही है। सीएम ने कहा कि जातियों का खेल हमारी लोकतंत्र की आस्था को बिगाड़ रहा है। हमने भाजपा समाज में अगर थोड़ा अंतर किया है तो वो अमीर और गरीब जाति में किया है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।